हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस व्यूज। आज हम बात करने वाले हैं कि सेल्फी मूवी के डे फोर की कितनी एडवांस बुकिंग हुई है और इस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है फर्स्ट 3 डेज में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेल्फी अक्षय कुमार और इमरान हाशमी स्टारर मूवी है और इस मूवी को पब्लिक और क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवी का जो फर्स्ट 3 डेज का कलेक्शन आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है, क्योंकि इस मूवी का जो बजट है वो लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का बताया जा रहा है, क्योंकि इस मूवी के प्रमोशन में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ है। अगर बात करें इस मूवी के कलेक्शन की, तो इस मूवी का फर्स्ट 3 डेज का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ रहा है वो लगभग 10 करोड़ का आ रहा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कम कलेक्शन है, क्योंकि अक्षय कुमार के होते हुए भी 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ कमाना एक बहुत ही नाकाबिले यकीन सी बात लग रही है। अगर बात करें इस मूवी के डे फोर की एडवांस बुकिंग की, तो इस मूवी की डे फोर की जो एडवांस बुकिंग हुई है वो 21 लाख की हुई है। जी हाँ दोस्तों, ग्रास कलेक्शन मैं बता रहा हूँ इस मूवी के एडवांस बुकिंग का डे फोर की, जो कि 21 लाख यानी कि 21 लाख की हुई है। हालांकि मंडे है और मंडे पर आज इस मूवी का टेस्ट होने वाला है और उम्मीद है कि यह मूवी अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है तो शायद ये मूवी आने वाले वीक तक चल सके। अगर यह मूवी 1 करोड़ से नीचे गिर जाती है तो इस मूवी को नेक्स्ट वीक तक थिएटर से हटा ही दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी बहुत सी मूवीज जो कि बॉक्स ऑफिस पर चल रही हैं, जैसे शहजादा चल रही है, पठान चल रही है, पठान मूवी तो अभी भी बॉक्स ऑफिस तबाही मचा रही है कलेक्शन के मुकाबले में। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये मूवी आज 1 करोड़ से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे वीडियो को देख सकें।